Assalamualaikum students, welcome to another video lesson. Today we are going to start our new exercise, exercise 4B. Page number is 76. Question number 1, filling the blanks. A, part A, 15 whole 3 by 1000 converted into a decimal fraction will be dash. अब 15 होल 3 बाय 1000 जो है मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इजीली इसको फिर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूं. जब मैं 1000 को 15 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 15000. 15000 प्लस 3 इज इक्वल टू 15003 डिवाइडेड बाय 1000. ऑलराइट, अब यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो मैंने 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 15.003. ऑलराइट, नाउ बी इज 0.006 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6. अगर आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है 1000 में यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो आपने 3 कॉलम्स टू द लेफ्ट मूव करना है नंबर को, ठीक है. या फिर अगर आप इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो, लाइक यहाँ से मैंने डेसिमल पॉइंट जब रिमूव किया तो मेरे पास यहाँ पे 1000 आ गया बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने 1 के बाद 3 जीरोज पुट कर दिए मल्टीप्लाई बाय 1000. दिस 1000 विल बी कैंसल आउट विद दिस 1000, देन मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 6, तो मैंने ब्लैंक में लिख लिया 6. ऑलराइट, सी इज 4.56 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 0.0456. जब आप 4.56 को डिवाइड करोगे 100 पे तो मेरे पास ये आंसर आएगा, तो आपने 100 लिखना है अपनी ब्लैंक में. डी इज 1/4 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज डैश. 1/4 को आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसके डिनोमिनेटर को 10 या मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लो. आप 4 10 में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, ये 100 में हम जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 25, ठीक है. तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में भी 25 को मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर में भी 25 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 25/100 विच इज इक्वल टू 0.25, ठीक है. तो मैंने अपनी ब्लैंक में लिख लिया 0.25. E 0.125 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 12.5. अब 0.125 को जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा 12.5, तो आपने अपने ब्लैंक में लिखना है 100. ऑलराइट, ओके, नाउ टर्न योर पेज. पेज नंबर इज 77. क्वेश्चन नंबर इज 2. स्टेट बाई द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. A is 85.085, rounding off to 2 decimal places will be 85.09. अब 2 decimal places मेरे पास यहां तक बन रहे हैं, ठीक है. अब यहां तक तो मैं अपने digits को रखूंगी. अब मैंने इसके बाद का जो next digit है वो देखना है कि क्या वो 5 है या 5 से greater है. अगर वो 5 है या 5 से greater कोई भी number होगा तो मैं 1 add करूंगी उसमें, ठीक है. Obviously यहां पे आपको नजर आ रहा है 5 है तो मैं यहां पे 1 add करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा, राउंडेड ऑफ जो आंसर आएगा वो होगा 85.09. सो हमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Now B is the quotient of 68.5 divided by 10 to the nearest whole number will be 69. अब आप 68.5 को जब डिवाइड करोगे 10 के पर तो मेरे पास आंसर आएगा 6.85, ठीक है. तो अब राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर आप अगर इसको राउंड ऑफ करते हो तो मेरे पास आंसर 7 आता है, नॉट 69. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑलराइट, अब सी पार्ट है 102 होल 1/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 102.01. अब इसको पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1021 डिवाइडेड बाय 10. जिसको मैं डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर होगा 102.1, ठीक है. तो हमारे पास ये आंसर तो नहीं आ रहा ना, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. डी इज To change 0.813 into a whole number, we multiply the number by 1000. Obviously, ये इसके 3 decimal places हैं, तो मैं जब इस number को 1000 से multiply करूंगी तो ये whole number में convert हो जाएगा. So it's a true statement. E the product of 7.49 and 8.5 has a 3 decimal places. जब मैंने 7.49 का product लिया 8.5 के साथ तो मेरे पास answer आ रहा था 63.665, ठीक है, which have a 3 decimal places, ठीक है, this number have a 3 decimal places. So this statement is correct. It's a true statement. यहाँ पे true कर लो आप लोग. Alright, now question number 3, select the correct answer from the given option. This question number 3 is your homework. आप easily इसको solve कर सकते हो, बस इसका E part जरा आप देख लो. On the given number line, the shaded part rounded off to the nearest whole number is. अब यहाँ पे number line पर कहाँ तक shaded part आपको given है? 3.2 तक, ठीक है. यहाँ पे इसकी जो value आ रही है वो 3.2 आ रही है, ठीक है.
अब डेसिमल से जो पहले टू द लेफ्ट जो लेफ्ट साइड पे आपका पार्ट होता है ना वो होल नंबर पार्ट होता है, और डेसिमल के राइट साइड पे जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, हम मुझे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब इसको जो राउंडेड ऑफ वैल्यू होगी वो 3 होगी, ठीक है, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है विच इज लेस देन 5, तो मैं इसमें 1 ऐड नहीं करूंगी। अगर 5 या 5 से ग्रेटर होता पॉइंट के बाद तो मैं इसमें 1 ऐड करती, बट यहाँ पे 2 है विच इज लेस देन 5, तो इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू होगी 3। सो इसकी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए पार्ट इज 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2.4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। आपको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल वैसे ही करनी है जिस तरह आप होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, टू होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो। ठीक है, तो मैंने वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर ली, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, एंड 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था। मैंने भी अपने आंसर में जो प्रोडक्ट आया है मेरे पास उसमें मैंने 1 डिजिट के बाद अपना पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट है 7.905 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया था 23,715। यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट था तो मैंने अपने प्रोडक्ट में भी 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। ऑल राइट, नाउ जी इज 19.56 मल्टीप्लाई बाय 8, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 15,648। अब यहाँ पर मेरे पास था 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, ठीक है, तो मैंने अपने प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट्स के बाद ही पॉइंट लगा दिया। ऑल राइट, बस आपने जिस टू होल नंबर्स की आप मल्टीप्लीकेशन करते हो सिंपली वैसे मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है, और फिर आपने डेसिमल प्लेसेस देखनी है कितनी है। 2 डेसिमल प्लेसेस थी तो मैंने अपने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नाउ एच पार्ट इज 0.998 मल्टीप्लाई बाय 15। अब मैंने मल्टीप्लाई किया पहले 5 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 8 44 मेरे पास कैरी आ गया, 5 9 45 45 प्लस 4 49, 4 कैरी, 5 9 45 45 प्लस 4 49, 4 कैरी, 4 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन, 1 8 8, 1 9 9, 1 9 9 एंड 1 0 0। आफ्टर एडिशन मेरे पास ये आंसर आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो मैंने भी 3 डिजिट्स के बाद अपना पॉइंट लगा दिया। ठीक है, आंसर में। सो इस तरह आप अपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स सी डी ई एंड एफ पार्ट इज योर होमवर्क, इनको मार्क कर लें, सी डी ई एफ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब यहाँ पर आपके पास कुछ डिवीजन सम्स गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 13.6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब जिस तरह आप सिंपल डिवीजन करते हो टू होल नंबर्स की वैसे ही इसकी भी डिवीजन करनी है आपने। 4 3 12, 3 2 1 6 एज इट इज नीचे आ गया, 4 4 16। अब यहां पर आपके पास 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो मैंने अपने आंसर में कोशेंट में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब बी पार्ट है 14.56 डिवाइडेड बाय 7। आपको पता है ऑब्वियसली आपका जो न्यूमरेटर होता है वो आप अपना अंदर रखते हो और डिनोमिनेटर को आप बाहर रखते हो। दिस इज अ डिवाइजर एंड दिस इज अ डिविडेंड। ठीक है, अब मैंने डिवीजन करनी है 7 2 14, 5 एज इट इज, 5 इज लेस देन 7, मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती 7 पे, तो मैंने दूसरा पेयर भी नीचे लेकर आना है। ठीक है, जब एट अ टाइम हम 2 डिजिट्स को नीचे लेकर आते हो तो आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, देन 7 8 56। ठीक है, अब यहाँ आपने डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद पुट करना है, यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है तो आपने 2 डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ऑलराइट, नाउ एफ पार्ट इज 72.84 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 72.84 को जब 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 4 1 4 आ गया, 7 4 3, 2 मैंने नीचे ले आना है। ठीक है, देन 4 8 32, देन 8 को मैं नीचे ले आई, 4 2 8, देन 4 नीचे आ गया, 4 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, यहाँ पर मैंने अपने जो क्वेश्चन में भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट पुट करना है। सो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, सो जो इसके जो आपने पार्ट सॉल्व करने हैं होमवर्क में वो है पार्ट सी डी ई जी एन एच, बिल्कुल ऑन द सेम पैटर्न ये सॉल्व होंगे। पार्ट सी डी ई जी एन एच इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 एंड 100।
अब यहाँ पर आपके पास कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है बाय 10 एंड 100। ठीक है, अब आप ये कैसे मल्टीप्लाई करोगे? लुक एट हियर, बी पार्ट इज 129.8। पहले मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बाय कॉमन फ्रैक्शन मेथड। अब उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे, नीचे आ गया 10, दिस 10 विल बी कैंसिल आउट विद दिस 10, ठीक है। और मेरे पास आंसर आ रहा है 1298। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 129.8 मल्टीप्लाई बाय 100 बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 10, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 1298 को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 12980। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सी पार्ट इज 364.8, इसको मैंने 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सेम बी जैसा बी पार्ट सॉल्व किया है वैसे ही सी पार्ट भी सॉल्व होगा। डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ गया 10, दिस 10 विल बी कैंसिल आउट विद दिस 10 एंड मेरे पास आंसर आ रहा है 3648। ठीक है, अब फिर जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 10, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। 3648 को मैंने जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 36480। ऑलराइट, सो दिस इज योर आंसर। इसके जो आपने पार्ट्स होमवर्क में करने हैं वो पार्ट ए है एंड डी है। दीज टू पार्ट्स आर योर होमवर्क। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर इज 78। क्वेश्चन नंबर 7 इज परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। अब यहाँ पे भी आपके पास डिवीजन के ही सम है और इनको आपने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, 3.18 डिवाइडेड बाय 10। बिल्कुल जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व किया है वही पैटर्न आपने क्वेश्चन नंबर 7 में भी फॉलो करना है। बस फर्क ये था कि उसमें मल्टीप्लीकेशन थी, इसमें डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है बाद में, ठीक है। अब आपने यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 100, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, ठीक है। 318 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। डिवीजन का साइन जब आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है कि आपने जो इस नंबर का जो राइट साइड पर आ रहा होता है डिवीजन के, उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, ठीक है। अब 10 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है, तो मैंने जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/10 आ गया, ठीक है। 318 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 318 ही आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 1000। अब यहाँ पे 3 जीरोज आ रहे हैं तो मैंने 3 जीरोज के बाद पॉइंट पुट कर दिया, 0.318 इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट इज 6.51 डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने वही पैटर्न फॉलो करना है, डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 100 डिवाइडेड बाय 100। अब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 100 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 100 ओवर 1 का रेसिप्रोकल लूंगी तो 1/100 आ जाएगा मेरे पास। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 651 मल्टीप्लाई बाय 1000 मेरे पास 651 ही रहेगा। एंड देन 100 को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10,000। अब यहाँ पे 4 जीरोज हैं तो मुझे 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 1651 तो मैंने एज इट इज लिख लिया, 10 मैंने खुद ऐड किया बिकॉज मुझे 4 डिजिट्स कंप्लीट करने थे, ठीक है। और 4 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। तो 0.0651 इज योर आंसर। नाउ जी पार्ट इज 4.1 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 10। इस डिवीजन का साइन जब मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 1/1000। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 41/10,000 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो मुझे 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना होगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे 2 डिजिट्स तो मेरे पास हैं, मैंने 2 जीरोज खुद ऐड करने हैं ताकि मेरे पास 4 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। 4 डिजिट्स तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी थे ना, 41, ठीक है। अब 41 लिख लिया, 2 जीरोज मैंने खुद ऐड कर लिए, डेसिमल पॉइंट पुट किया, सो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0041, ठीक है। अब जो इसके पार्ट्स जो आपने जो होमवर्क में करने हैं वो हैं पार्ट सी डी ई एफ एंड एच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने फिलिंग के ब्लैंक्स में किए हैं, सो आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क।
आपने बताने कि ये जो लाइक ए पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3.6 को मैं किसके साथ डिवाइड करूँ तो मेरे पास 0.36 आ जाए, ठीक है। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स भी आप लोगों ने देखना है कि इन नंबर्स को मैं किसके साथ डिवाइड करूंगी, 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, कि मेरे पास जो गिवन आंसर है वो आ जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ए पार्ट इज, मेरे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन आपने वैसे ही करनी है जैसा आप होल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हो, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7। पहले आपने इनको एज अ होल नंबर ट्रीट करना है, लाइक 66 को मैं 0.7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 7.6 है 42, 2 एज इट इज 4 कैरी, 7.6 है 42 प्लस 4 46, मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया, 0.6 है 0, 0.6 आर 0, ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 462। अब आपने डेसिमल प्लेसेस देखनी है, ठीक है, जो आपकी गिवन डेसिमल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल प्लेसेस क्या हैं। अब फर्स्ट जो डेसिमल नंबर था उसकी डेसिमल प्लेस क्या है, 1। सेकंड का जो डेसिमल नंबर था आपके पास उसकी क्या डेसिमल प्लेस है, 1। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, जो आंसर आया, उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। नाउ ई पार्ट इज 1.35 मल्टीप्लाई बाय 0.6। वैसे ही आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है जिसका आप होल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। अब फर्स्ट जो डेसिमल नंबर था उसकी क्या डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, और सेकंड की 1 डेसिमल प्लेस, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेसेस होती हैं, ठीक है। तो मैंने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। नाउ जी पार्ट इज 9.08 मल्टीप्लाई बाय 3.4, 9.08 मल्टीप्लाई बाय 3.4 करना है, ठीक है। आपको पहले इसको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने आप डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करना है वो इन डेसिमल नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो है 2, और इसका ए की डेसिमल प्लेस है 1, 2 प्लस 1 3, तो मैंने 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ऑलराइट, नाउ एच इज 11.23 मल्टीप्लाई बाय 0.4, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है, यहाँ पे इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसकी 1 डेसिमल प्लेस है, 2 प्लस 1 3, तो मैंने 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व होंगे, पार्ट बी सी डी एंड एफ इज योर होमवर्क। ऑलराइट, पार्ट पी बी सी डी एंड एफ अपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब आपने इन डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, लेकिन इनको पहले आप कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इनको सॉल्व करोगे। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्ट ए 1.732 मल्टीप्लाई बाय 0.5। आपने इनको पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो 1 के बाद आपने 3 जीरोज लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो 1 के बाद 10 आएगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही था। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 8660 डिवाइडेड बाय 10,000। अब यहाँ पर 4 जीरोज हैं, तो मैंने 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ऑलराइट, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.8660। ऑलराइट, नाउ सी पार्ट इज 2.415 मल्टीप्लाई बाय 1.5। पहले इनको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के बाद फर्स्ट में मेरे पास आ रहा है 1000 नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 1000 पुट कर दिया, ठीक है। 3 जीरोस पुट करने हैं 1 के बाद, तो मेरे पास 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.4 है, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया नीचे 1 के बाद, मेरे पास 0 आएगा, 10 पुट करना है मैंने, ठीक है। इसलिए 10 पुट किया है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए मैंने 10 पुट किया है, ठीक है। अब मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 33,810 डिवाइडेड बाय 10,000। आपने यहाँ पे देखा है कि 4 जीरोज हैं, तो मैंने 4 डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ऑलराइट, सो इसके जो आपने पार्ट्स होमवर्क में करने हैं वो पार्ट है पार्ट बी एंड डी। ऑलराइट, पार्ट बी एंड डी इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब आपने कुछ आपके पास डिविजन समझे, इनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी 0.49 डिवाइडेड बाय 0.7। पहले आपने इनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 1 के बाद 2 जीरोस पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय 0.7, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आपने 1 के बाद 10 पुट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो,
अपने जो राइट साइड पे आपके पास फ्रैक्शन आ रही होती है ना, उसका आप रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है। जब आपने इसके रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास क्या हो गया, 10/7। अब 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 7 7 49, तो मेरे पास 7/10 आंसर आ गया, ठीक है। अब 1 0 है यहाँ पे, तो आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दिया। डी पार्ट इज 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9, यहाँ से इनको कॉमन फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लिया, डिवीजन का साथ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो इसका रेसिप्रोकल लिया, कैंसिलेशन होगी 10 10 की, 19 5 95 होता है, तो 5 आंसर आ गया मेरे पास। इसके जो आपने पार्ट्स होमवर्क में करने हैं वो पार्ट है ए एंड सी। पार्ट ए एंड सी इज योर होमवर्क, ऑल पार्ट ए एंड सी इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स बाय द डायरेक्ट डिवीजन मेथड। अब आपने टू मेथड्स पढ़े थे ना इसमें, एक तो कॉमन फ्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा था और सेकंड मेथड डिवीजन मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो हमने इसमें सेकंड मेथड अब अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048, 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048 कर लिया, इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर में डिवाइजर आ रहा है ना, आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसकी 3 डेसिमल प्लेसेज हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तभी ये होल नंबर में कन्वर्ट होगा। जब आप डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने न्यूमिनेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास आंसर आ रहा है 9600/48। अब 9.6 को जब आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9600 कैसे आ रहा है, 0.6 है ना, पॉइंट रिमूव किया, नीचे आया 10, और वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करे हो, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 96 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9600, ठीक है। 9600 आ गया। 0.048 को जब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां से अगर डेसिमल रिमूव करते हो नीचे आ जाता है 1000 1000 1000 से कट गया तो 48 आ जाता है, ठीक है। अब आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 200 आंसर आ रहा है। मैंने पहले 2 के टेबल से इसकी कटिंग कर ली, 2 2 4 2 4 8 2 4 8 2 8 16 एंड 0 0 एज इट, ठीक है। देन अगेन 2 के टेबल से 2 1 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 8 एंड 0 0, देन 12 1 12 12 2 24 एंड 0 0 एज इट इज 7 आ जाएगा, ठीक है। 200 मेरा आंसर आ गया। नाउ बी पार्ट इज 55.6 डिवाइडेड बाय 6.95, बिल्कुल वैसे ही आपने जैसा ए पार्ट सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करना है, डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। नीचे मेरे पास जो डिवाइजर है उसमें 2 डेसिमल प्लेसेज हैं, तो मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर रही हूँ तो न्यूमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 5560 डिवाइडेड बाय 695। अब मैंने कटिंग कर ली है इसकी बाय 5 5 1 5 5 3 15, 4 यहाँ पे कैरी आ गया, 5 9 45, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 2 10। अब 139 8 जब मेरे पास जो है 1112 होता है तो मेरे पास आंसर आ गया 8। जो इसके पार्ट आपने जो होमवर्क में करने हैं वो पार्ट सी एंड डी है, जो बिल्कुल इसी सेम एग्जैक्ट पैटर्न पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, कॉमन फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। आपने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 1/4, 1/4 की सिंपल डिवीजन कर लोगे। आपको पता है कि आप हमेशा जो आपका न्यूमरेटर होता है उसको आप अंदर रखते हो और डिनोमिनेटर को आप बाहर रखते हो, ठीक है। तो 1 मैंने अंदर रख लिया, बाहर रख लिया 4। अब आपको पता है कि 1 इज लेस देन 4, तो मैं इसकी डिवीजन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने पॉइंट लग पुट किया। पॉइंट लग पुट करने के बाद यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 4 2 8 10 8 = 2। अब एक दफा जब आप डेसिमल पॉइंट पुट कर देते हो ना, तो आप खुद से जीरो बाद में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बार बार डेसिमल पॉइंट्स पुट करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ एक ही दफा डेसिमल पॉइंट पुट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 मैंने पुट किया, 4 5 20 आ गया, ठीक है। सो 0.25 इज योर आंसर। बी पार्ट इज 3/50। अब 3 मैंने अंदर पुट किया, 50 बाहर। अब पॉइंट पुट किया तो 30, जीरो पुट पॉइंट यहाँ पे मैंने जब पुट किया उसके एक पॉइंट पुट किया तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। बट 30 तो मेरे पास लेस देन 50 है ना। अब मुझे एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। एट टाइम जब मैं 2 0 ऐड करती हूँ ना, तो मुझे ऊपर भी 0, क्वेश्चन में भी 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। मैंने एक 0 ऐड कर दिया और अब 56 300 होता है, तो 0.06 इज योर आंसर। नाउ एफ इज 13/25। 13 मैंने अंदर रखा, 25 बाहर, डेसिमल पॉइंट लगाया बिकॉज 13 इज लेस देन 25। यहाँ पे 0 पुट किया, 25 5 125, माइनस करने के बाद 5 आ रहा है, मैंने 0 पुट किया, ठीक है। 0 पुट किया, 25 2 50, सो आंसर मेरे पास आंसर आ रहा है 0.52, 0.52 इज योर आंसर। सो इसके जो आपने पार्ट्स होमवर्क में करना है वो पार्ट है सी डी एंड ई। पार्ट सी डी एंड ई इज योर होमवर्क।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द बोडमास रूल. अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें आपने बोडमास रूल अप्लाई करना है. पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी, 7.44 डिवाइडेड बाय होल 0.08 प्लस 2.4 माइनस 1.72. अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, पहले उसको सॉल्व करना है. 0.08 को मैंने जब 2.4 में ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा था 2.48. ठीक है, मैंने 2.48 किया. अब डिमांड रूल के अकॉर्डिंगली पहले मुझे डिवीजन करनी है. पहले डिवीजन करनी है तो पहले मैं इनको कॉमन फ्रैक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगी. ठीक है, मैंने डेसिमल पॉइंट्स रिमूव किया. ठीक है, नीचे आ गया 7.44 का मैंने डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, नीचे आया 100 डिवाइडेड बाय 2.48 का डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, नीचे आया 100. ठीक है, डिवीजन के साथ जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको रेसिप्रोकल लेना है. 100 बाय 248 हो गया, ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 3. ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप जब लास्ट में अपना आंसर देखोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 3. ऑलराइट, अब 3 को माइनस करना है 1.72 से. ठीक है, 3 माइनस 1.72 किया तो आपके पास आंसर आएगा 1.28. ठीक है, 1.28 इज योर आंसर. सो इस तरह आप लोग बोडमास रूल अप्लाई करोगे इन क्वेश्चंस पे जो ब्रैकेट में टर्म्स होंगी उनको आपने पहले सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का ही पार्ट है, पार्ट बी. अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, पहले मुझे इनको सॉल्व करना है. अब इसके अंदर भी मेरे पास डिमांड रूल लगेगा. ऑब्वियसली जो डिवीजन में सम है उनको पहले मैं सॉल्व करूंगी. इन दोनों टर्म्स को पहले मैंने सॉल्व करना है. इनको पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डिवीजन के साथ मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. 100 से कैंसिल आउट हो गया. 5 1 5 5 1 5 5 9 45 19 माइनस 0.09 करना है. 19 माइनस 0.09 किया तो मेरे पास 18.91 आ रहा है. ठीक है, 18.91 को 3.3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 62.403. सो दिस इज योर आंसर. नाउ एफ पार्ट इज 9.5 प्लस होल 2.03 मल्टीप्लाई बाय 1.6 माइनस 4.5. अब आपके पास जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है पहले उसको सॉल्व करना है. आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है. पहले इनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3248. ऑल राइट, डिवाइडेड बाय 1000. अब यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, 3.248 आ गया. अब मैंने डिमांड रूल के अकॉर्डिंगली पहले ऐड करना है. 9.5 को मैंने जब 3.248 में ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा था 12.748. अब उसको मैंने माइनस करना है 4.5 के साथ. ठीक है, माइनस आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास आंसर आएगा 8.248. सो दिस इज योर आंसर. ऑलराइट, आप इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. लाइक 4A में आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस किए हैं कि आप कैसे डेसिमल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो. ठीक है, अब इसका जो जी पार्ट है यहाँ पे दो ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं. आपने इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है. ठीक है, अब 0.74 को जब 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.962. ठीक है, इसको बेशक आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लो. पहले एज अ होल नंबर इनको ट्रीट करके मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, यहाँ इसके 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके 1 डेसिमल प्लेस है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आप पॉइंट लगा दो. ठीक है, और इसी तरह 1.501 माइनस 0.72 किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.781. ऐड किया दोनों टर्म्स को तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.743. सो दिस इज योर आंसर. अच्छा, जो इसके जो पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं वो पार्ट है पार्ट ए सी एंड ई. बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करने हैं. ब्रैकेट्स वाली टर्म्स आप पहले सॉल्व करोगे. ठीक है, पार्ट ए सी एंड ई आप लोगों का होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 15, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. इनको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस. ये 1 डेसिमल प्लेस है मेरे पास. ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेरे पास 1 डेसिमल प्लेस होती है. अगर 2 डेसिमल प्लेसेस देखनी है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जाना होगा. 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है तो हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही जाएंगे. 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जाना पड़ेगा. ठीक है, अब 1 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों ने अपना नंबर रखना है. अब 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 है. आपको पता है ना कि जब 5 या 5 से ग्रेटर कोई नंबर होता है तो हम 1 ऐड करते हैं, तो इसकी जो राउंडेड ऑफ वैल्यू होगी वो 7.2 होगी. अब नेक्स्ट जो है 8.3 तक हमने अपना नंबर रखना है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 है, विच इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो राउंडेड ऑफ वैल्यू 8.4 हो गई. अब 9.91 है. ठीक है, अब 9.9 तक तो हमने नंबर रखना था ना 1 डेसिमल प्लेस तक, बट 1 इज लेस देन
5, तो हम इसकी जो राउंडेड ऑफ वैल्यू है वो 9.9 ही रहेगी। अब 6.0 तक मैंने अपना नंबर रखना था, इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो है 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, सो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी तो 6.1 मेरा राउंडेड ऑफ आंसर आ रहा है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग बुक पे ही सॉल्व करोगे। राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में आपने 1 डेसिमल प्लेस तक अपना नंबर रखा था, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना नंबर रखना है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक आपने अपने नंबर को राउंड ऑफ करना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर इज 79, वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, असद हैज अ स्ट्रिप ऑफ वर्ड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग, ही नीड्स स्मॉल पीसीज ऑफ वर्ड 2.6 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मेक अ मॉडल हाउस, हाउ मेनी पीसीज कैन ही कट फ्रॉम हिज स्ट्रिप। अब असद के पास एक स्ट्रिप है वर्ड की जिसकी लेंथ है 52 सेंटीमीटर, ठीक है, अब उसे एक मॉडल हाउस बनाना है जिसके लिए उसको 2.6 सेंटीमीटर लेंथ के स्मॉल पीसेज चाहिए। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीसीज कैन ही कट फ्रॉम हिज स्ट्रिप। उसके लिए जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो क्या है, पहले तो सबसे पहले वो लिखोगे टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन रिक्वायर्ड पीस इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीसेज फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ पीसेज असद कैन कट इज इक्वल टू, आपने दोनों वैल्यूज को कर दिया डिवाइड। अब मैंने यहाँ पे 0.0 खुद ऐड किया है बिकॉज अब मैंने दोनों वैल्यूज को बैलेंस आउट करना है, इसका जो है मेरे पास यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, अब जब मैं 0.0 खुद से ऐड करूंगी तो इसके पास भी 1 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 1s are 26 एंड देन 26 20s are, मेरे पास 520 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20, दस असद कैन कट फ्रॉम हिज स्ट्रिप 20 pieces। ऑल राइट, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20 pieces, सो नंबर ऑफ पीसेज मेरे पास आ गए 20। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हिना हैज अ पीस ऑफ रिबन 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट, शी नीड्स फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ रिबन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी पीसेज कैन शी गेट फ्रॉम हर पीस। अच्छा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, हिना के पास एक पीस ऑफ रिबन है जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, उसको अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्ट्रिप्स की जरूरत है जिनकी लेंथ हो 2.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी पीसेज कैन शी गेट फ्रॉम हर पीस। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रिबन गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन पीस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पीसेज फाइंड आउट करने के लिए बोथ वैल्यूज को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, इनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकल लिया, 10 से कैंसिल आउट हो गया, 25 3 75 होता है, तो मेरे पास आंसर आ गया 3 pieces। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अज पर स्पेंट रुपीज 305.75 फॉर बाइंग 25 pens, हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन। अब क्या किया, अस्पर ने जो है इतने रुपीज स्पेंड किए 25 pens खरीदने के लिए। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन, ईच पेन के लिए उसने कितने रुपीज पे किए होंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर दोगे। अस्पर स्पेंड फॉर बाइंग 25 pens इज इक्वल टू रुपीज 305.75, सो ही पेड फॉर ईच पेन इज इक्वल टू 305.75 को आपने 25 से डिवाइड करना है। डे आफ्टर डिवीजन आपके पास आंसर आएगा 12.23, सो दिस इज योर आंसर रुपीज 12.23। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, टू मेक 45 कुकीज साबिर नीड्स 2.5 kg ऑफ शुगर, हाउ मच शुगर इज नीडेड फॉर 1 कुकी। अच्छा, अब 45 कुकीज बनाने के लिए साबिर को 2.5 kg शुगर की जरूरत थी। ठीक है, अब हमने बताना है हाउ मच शुगर इज नीडेड फॉर 1 कुकी, और बट हमने बताना है इस क्वेश्चन में कि 1 कुकी के लिए उसको कितनी शुगर जरूरत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने साबिर पहले लिखना है, साबिर नीड शुगर फॉर 45 कुकीज इज इक्वल टू 2.5 kg। अभी kg में गिवन है, इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। जब आप 2.5 kg को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2500 ग्राम। ठीक है, अब साबिर नीड शुगर फॉर 1 केक 1 कुकी, सॉरी इट्स नॉट केक इट्स कुकी। ठीक है, 1 कुकी के लिए उसको फाइंड आउट करनी है कि उसको कितनी शुगर रिक्वायर्ड होगी। आपने 2500 को 45 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आफ्टर डिवीजन आपके पास आंसर आएगा 55.56, सो 55.56 ग्राम इज योर आंसर। Alright, now question number 5 is a carpenter earns rupees 580.5
2.50 पर वीक, हाउ मच विल ही अर्न इन 2.5 वीक्स। अब कारपेंटर जो है पर वीक इतने अमाउंट अर्न कर लेता है, ठीक है। अब हमने बताना है हाउ मच विल ही अर्न, हाउ मच ही विल ही अर्न इन 2.5 वीक्स। अब 2.5 वीक्स में वो कितना अर्न करेगा, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। कारपेंटर अर्न्स इन वन वीक इज इक्वल टू रुपीज 580.50, ही अर्न्स इन 2.5 वीक्स इज इक्वल टू, आपने सिंपली इस वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 1,451,250 डिवाइडेड बाय 1,000, ठीक है। तो आपने अब 1,000 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 जीरोज हैं, 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। रुपीज़ 1,451.250 इज योर आंसर। अब जीरो आप लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप 1,451.25 भी आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट होंगे। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्टोर कीपर हैज 27.36 केजी ऑफ राइस, इफ ही पुट it into 9 sacks, how much rice will each sack contain? अब स्टोर कीपर के पास इतने केजी राइस हैं, ठीक है। अगर वो इसने 9 सैक्स मीन 9 बोरियों में डालता है, तो बताना है कि हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो लिखोगे 9 सैक्स कंटेन राइस इज इक्वल टू 27.36 केजी। अब 1 सैक में कितने केजी राइस होंगे, आपने 27.36 को डिवाइडेड बाय 9 कर देना है, ठीक है। आफ्टर डिवीजन आपके पास आंसर आएगा 3.04। Alright, so 3.04 kg is your answer. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज परसेंटेजेस। अब हम लोग परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन स्क्वेयर्स को देखो, बताना है कि व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वेयर इज कलर्ड इन ईच केस। अब यहाँ पर 2 out of 5 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो मैंने 2/5 लिख लिया। यहाँ पर 3 out of 10 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो मैंने 3/10 लिख लिया। यहाँ पे 7 out of 20 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो मैंने 7/20 लिख लिया। यहाँ पे 18 out of 50 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो मैंने 18/50 लिख लिया। और यहाँ पे 33 out of 100 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो मैंने 33/100 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शंस आ गई, बट ये जो फ्रैक्शंस हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपने देखा है कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे, ठीक है। सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 100 के इक्वल बना लेंगे, ठीक है। अब 2/5 है, 5 को 100 के इक्वल कैसे बनाओगे, अगर मैं 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जब मैं डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 40/100। इसी तरह नेक्स्ट ही मेरे पास फ्रैक्शन 3/10, 10 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30/100 हो गया। इसी तरह मैंने रिमेनिंग फ्रैक्शन को भी के डिनोमिनेटर्स को भी 100 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबके डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गया 100, अब मैं सबके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लूंगी। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर मेरे पास 30 है, तो मैंने 30/100 लिख लिया। देन 33/100, ऑल राइट, देन 35/100, देन 36/100 एंड देन लास्ट 40/100, ठीक है। अब ये मेरे पास एक टेबल गिवन है, नेम ऑफ अ स्क्वायर, हेयर इज बी नॉट, ये जो बी जो है इट्स नॉट बी इट्स सी, ठीक है। यहाँ पे बी नहीं है, ये सी है, बिकॉज 7/20 तो हमारे पास सी स्क्वायर था। इसी तरह 18/50 हमारे पास सी स्क्वायर नहीं था, डी स्क्वायर था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर था 7/20 एंड 18/50 हमारे पास डी स्क्वायर था, सो इट्स नॉट बी इट सी, एंड यहाँ पे सी नहीं है, ये डी है, ठीक है। और फ्रैक्शन कलर्ड, अब इसी तरह इन्होंने बताया कि किस तरह आप लोगों ने डिनोमिनेटर्स को 100 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, द वर्ड परसेंटेज इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड सेंटम, अंडरलाइन दिस लाइन के वर्ड परसेंटेज जो है वो किस पे बेस्ड है, एक लैटिन वर्ड है सेंटम, उस पे बेस्ड है ये वर्ड परसेंटेज। अ परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन, परसेंटेज एक स्पेशल काइंड है फ्रैक्शन की, इट ऑलवेज हैज 100 एज अ डिनोमिनेटर, और इसमें हमारे पास हमेशा परसेंटेज में डिनोमिनेटर में 100 आता है, ठीक है। ये सिंबल जो है परसेंटेज के लिए यूज होता है, इज अ सिंबल यूज फॉर परसेंटेज विच मीन्स परसेंट और अपॉन 100, ठीक है। अंडरलाइन दीज लाइन्स,
अब नेक्स्ट पेज है पेज 81, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब किस तरह हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लाइक यहाँ पर मेरे पास एक परसेंटेज है 2%, इसको मैं कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। आपको पता है जहाँ परसेंटेज होता है उसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो मैंने डिनोमिनेटर में 100 पुट कर देना, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज थी वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली 35% है, परसेंटेज रिमूव किया, नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया, ठीक है। इसी तरह 65% है, परसेंटेज रिमूव किया, जहां पे परसेंटेज होगा वहां पे आपको पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 100 आता है, ठीक है। परसेंटेज को हटा के डिनोमिनेटर में मैंने 100 लिख दिया। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 एंड 0, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो सिंपलिस्ट फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 13/20। 180% है, परसेंटेज का साइन रिमूव किया तो नीचे मेरे पास आएगा 100, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 2 9 = 18, 2 5 = 10, 9/5 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 1 whole 4/5 आंसर आया। इसी तरह आप इन रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हो, इन परसेंटेजेस को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, जैसा मैंने अभी वो कलर्ड स्क्वेयर वाली एग्जाम्पल दी थी, 9/2 को आप किस तरह आप डिनोमिनेटर में 100 लाओगे। ऑब्वियसली जब 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 50 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 450/100। अब आपको पता है जहां पे डिनोमिनेटर में 100 आ रहा होता है वहां पे आपको पता होता है कि वो परसेंटेज के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास 450% आ रहा है, ठीक है, नॉट 100, इट्स 450%, सॉरी नॉट 45%, इट्स 450%, ऑल राइट। नाउ बी इज 3/4, 4 को मैंने 100 में कन्वर्ट करना है तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 25 किया, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी, तो 75/100 आ गया। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जब 100 होगा मेरे पास तो वो परसेंटेज के इक्वल मैं उसको लिख सकती हूँ, तो 75% आ गई, ठीक है। इसी तरह आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हो। अब लाइक क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन थी, आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 16/5, 5 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 20 कर लिया, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर आ रहा है 320/100, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 100 है तो मैं इसको परसेंटेज में लिख सकती हूँ ना, 320% आंसर आ गया। सो इस तरह आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल एंड डेसिमल टू परसेंटेज, ठीक है। अब आपने किस तरह परसेंटेज को डेसिमल में और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल, ठीक है। तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक इन दिस एग्जांपल पार्ट वन इज 75%, ठीक है। 75% को आपने जब कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये परसेंटेज का साइन जब रिमूव करेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, ठीक है। आपको बताया कि जहां पे भी परसेंटेज का सिंबल होता है वहां पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आएगा। अब यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो आपने 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब सेकंड इज 160%, परसेंटेज का साइन रिमूव किया, नीचे आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर में 100, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 10 है यहाँ पे, 1 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 3 is 300%, ठीक है। 300% है मेरे पास, 300% को आपने जब कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये जब परसेंटेज आप रिमूव करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, ये 0 इस 0 के साथ और ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.0 and 3, बोथ आर सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is 57%, 57% है मेरे पास, परसेंटेज का सिंबल आप रिमूव करोगे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो आपने 2 डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल पॉइंट पुट करना है, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 83। अब हमने देखना है कि हम किस तरह डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। जब भी आपने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 100 के साथ, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 100 के साथ, 6.79 को जब मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 679/100। अब आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 100 आता है आपके पास तो आप उसको एज अ परसेंटेज लिख सकते हो, तो 679% मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह 0.05 है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 के साथ, डिवाइड भी करना पड़ेगा 100 के साथ। 0.05 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5/100 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा था।
जिसको मैं 5% लिख सकती हूँ, ठीक है, 5% लिख सकती हूँ. नाउ 3 इज 0.125, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 के साथ. 0.125 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 12.5 आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 12.5%. ऑल राइट. इसी तरह फोर्थ पार्ट है, 4.185 इज इक्वल टू 4.185 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है. जब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 418.5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 418.5%. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग परसेंटेजेस. और परसेंटेजेस को यूज करते हुए डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर कर सकते हो. लाइक हमारे पास यहाँ पे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग गिवन है, ठीक है, मुल्तान 30th September अ सेंसिस बाय स्टूडेंट्स हैज फाउंड दैट 11 out of 25 पीपल लिविंग इन सेंट्रल लेन आर ऑफिस वर्कर्स. इन सनसेट स्ट्रीट 21 out of 44 रेजिडेंट्स आर ऑफिस वर्कर्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमने एक टेबल ड्रॉ करना है जो एक टेबल हमारे पास सेंट्रल लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सनसेट स्ट्रीट को. ठीक है, सेंट्रल लेन में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, 11 out of 25 पीपल लिविंग इन सेंट्रल लेन आर ऑफिस वर्कर्स. ठीक है, अब 11 out of 25 मीन्स 11/25 कर लिया. ठीक है, अब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हो. ठीक है, या सिंपली आप क्या 25 को आप डिनोमिनेटर को अगर आप करना चाहते हो 100 में कन्वर्ट तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करो डिनोमिनेटर में भी और मल्टीप्लाई बाय 4 करो न्यूमरेटर में भी. ठीक है, तो 44/100 आ जाएगा जिसको आप इजिली परसेंटेज में लिख सकते हो. ठीक है, तो 44% आ गया आंसर. ठीक है, अब सनसेट स्पीड है 21/44 किया बिकॉज 21 out of 44 रेजिडेंट्स आर ऑफिस वर्कर्स. ठीक है, सनसेट स्ट्रीट में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी 21 out of 44 मींस 21/44. ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 47.73%. ठीक है, तो इस तरह आपने अपने इन जो गिवन इन्फॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया. ओके, वी कैन देयरफॉर रीराइट द न्यूज़पेपर आर्टिकल टू मेक इट क्लियर. अब आपने अपने जो न्यूज़पेपर आर्टिकल की जो स्टेटमेंट थी उसको आप रीराइट कर सकते हो. ठीक है, 11 out of 25 और 21 out of 44 रेजिडेंट्स की जगह आप लोग परसेंटेजेस को लिख सकते हो. ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाले भी हैं उनको भी इजीली समझ आ सके कि कितने परसेंटेज लोग जो हैं जो सेंट्रल लाइन में रहते थे एज ऑफिस वर्कर्स और कितने परसेंटेज लोग जो है सनसेट स्ट्रीट में रहते थे एज अ ऑफिस वर्कर्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, मुल्तान 30th September अ सेंसस बाय स्टूडेंट्स हैज फाउंड दैट 44% ऑफ पीपल लिविंग इन सेंट्रल लेन आर ऑफिस वर्कर्स. इन सनसेट स्ट्रीट 47.73% आर ऑफिस वर्कर्स. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद दीज टॉपिक्स. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन अल्लाह हाफिज़.